वाघा बॉर्डर जहां पर बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा है, हम रुक कर लेते हैं वाघा बॉर्डर का। शाम दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज उतारने का यह मौका होता है, लेकिन 26 जनवरी खास है। 1959 में इसकी शुरुआत हुई, इसके बाद से बीटिंग द रिट्रीट वाघा बॉर्डर पर हर रोज होती है। हाँ, 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान इसका आयोजन नहीं किया गया। बंटवारे के बाद से सालों से तनावपूर्ण माहौल के बीच इस बीटिंग द रिट्रीट का प्रदर्शन वाघा बॉर्डर पर कुछ इसी तरीके से होता है। Thank you.
बीटिंग द रिट्रीट, अगर बहुत ही सीधे आसान शब्दों में कहूं तो नाक से नाक तक की जूता पटकने की एक ये जो आयोजन है उसे बीटिंग द रिट्रीट का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं, हिंदुस्तान की तरफ से बीएसएफ के जवान होते हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात आपको नजर आएगी, तस्वीरें आप देखिए, ये जो सफेद रंग के आपको खास तरीके के जूते नजर आ रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि बीएसएफ के जवानों को कमर में और घुटने में दर्द हो जाया करता था पिछले कुछ सालों में, लेकिन कुशन लगे जूते इन्हें दिए गए ताकि इन्हें पांव में दर्द ना हो। रिट्रीट के बारे में कुछ और दिलचस्प जानकारी यहाँ पर दे देना चाहूंगा। दरअसल पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के जवानों के बीच अलग अलग सेशन होते हैं, एक सेशन के लिए एक टीम होती है, एक टीम 156 सेकंड का ये पूरा कार्यक्रम करती है। वाघा बॉर्डर पर हर रोज बीटिंग द रिट्रीट का ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, लेकिन 26 जनवरी का दिन बेहद खास है, 156 सेकंड का ये प्रोग्राम है। और खास बात यह है कि पिछले दिनों आपको याद होगा 8 जनवरी वो दिन था जब पाकिस्तानी रेंजर्स में एक सिख रेंजर को भी शामिल किया गया था जिसका नाम है अमरजीत सिंह।
अमृतसर के वाघा बॉर्डर से बीटिंग द रिट्रीट आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं हेडलाइंस के साथ।